अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली हम आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। इंडेफिनिट टेंसेज जितने भी होते हैं, दीज आर टाइप ऑफ टेंसेज विच डिस्क्राइब्स एक्शंस विदाउट स्पेसिफिकली स्टार्टिंग वेदर द एक्शंस आर कंप्लीटेड और ऑनगोइंग। एज द नेम शोज दैट दीज आर द इंडेफिनिट टेंसेज, दैट देयर इज नो डेफिनेट टाइम इन दीज एक्शंस इन दीज टेंसेज विच शोज व्हेन द एक्शन इज कंप्लीटेड एंड इज इट ऑनगोइंग, इज इट कंप्लीटेड और व्हाट। सो इस टेंस को हम देखेंगे कि हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसके जो उर्दू में आप लोग पहचान बनाते हैं, जाता है जाती है, ये सब आप भूल जाएं और इंग्लिश में इसको लर्न करने की कोशिश करें कि वेयर वी विल यूज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन आर डेली लाइफ और रूटीन। सो सबसे पहले तो हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन होती है, अपनी रूटीन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू शो द रूटीन। लाइक आई टीच इन स्कूल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I eat rice most of the time, I go to bed at this time, I get up early in the morning। ये सारी मेरी रूटीन है एंड आई विल डिस्कस और आई विल टेल माई रूटीन इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू शो रूटीन्स। सेकेंड, इट शोज हैबिट्स, लाइक आई डोंट लाइक मैंगोज, आई लाइक स्पाइसी फूड, शी टेल्स अ लाई, ही प्लेज क्रिकेट, ही लाइक दिस, ही लाइक दैट, ही स्मोक्स। ये सारी जो हैबिट्स हैं इनको शो करने के लिए यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड वन इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होते हैं या ट्रू एक्शंस जो होते हैं उसको भी शो करने के लिए यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लाइक मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है कि सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस तरह के जितने भी, अर्थ इज बिगर देन द मर्करी, सनसेट्स इन द वेस्ट, ये सारे जो एक्शंस हैं ट्रू एक्शंस एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फर्स्ट हो गया टू शो रूटीन, शो रूटीन्स, एंड सेकेंड वन इज़ द हैबिट्स, एंड थर्ड वन इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, फोर्थ वन इज़ द स्केड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर, जो कि अक्सर होते हों फ्यूचर में और स्केड्यूल्ड हों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, द ट्रेन अराइव्स एट 9 o'clock, तो अभी अराइव करना है उसने इन फ्यूचर, बट हम इसके लिए यूज़ क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द ट्रेन अराइव्स एट 9 o'clock, वो अक्सर 9 o'clock पर ही पहुंचती है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे कि और द ट्रेन अराइव्स एट द 9 o'clock। सो ये आपने अपने माइंड में इमेज बनाना है इस टेंस का कि हमने कैसे कैसे यूज़ करना है टू शो द रूटीन्स, टू शो हैबिट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ इन स्केड्यूल इवेंट्स इन द फ्यूचर। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि इसके सेंटेंस किस तरह से बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर किससे क्या होता है, बिल्कुल जैसे सिंपल सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वी वन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को मैंने शो किया था वी वन से। सो इसमें वी वन यूज होगा, विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल इसकी, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दी चलूँ कि किस वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस का एडिशन होगा, ये जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमने कहाँ पे एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करना है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, काइंडली उसको आप वॉच कर लें। इसके अलावा इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट पे डिफरेंस बता दिया था क्योंकि टेंसेस में मैंने ये वर्ड यूज़ करना था। सो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं डू और डस, और किसके साथ कौन से पर्सन्स के साथ डू लगता है, किस तरह के पर्सन्स के साथ डस लगता है, ये भी मैंने आपको उसी वीडियो में बताया हुआ है जिसमें वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का एडिशन बताया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर वॉच करें ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आसानी हो। सो अब हम देखते हैं कि डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि टेंसेस की मैंने आपको टाइप्स बताई थी कि जिसमें अफर्मेटिव टेंसेस होते हैं सेंटेंसेस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और नेगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो पॉजिटिव जितने भी सेंटेंसेस होंगे या एजेटिव सेंटेंसेज होंगे, जैसे ही प्लेज हॉकी, तो इसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब, एस या ई एस का सिंपल इजाफा कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। सो इसमें हम यू डू या डस का इस्तेमाल नहीं करते इन सिंपल सेंटेंसेज। लेकिन डू और डस कौन से सेंटेंसेज में यूज होते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज।
सो नेगेटिव सेंटेंसेस जब होंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? एग्जाम्पल है इसकी, ही डू नॉट टेल अ लाई. पहले हमने डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर नॉट यूज़ किया, उसके बाद मेन वर्ब यूज़ किया विच इज़ टेल एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? शी डज नॉट टेल अ लाई. अब पहले हमने सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मैन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. शी डजंट टेल अ लाई. एंड डू एंड डज का यूज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, मस्ट वॉच इट, अदरवाइज आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कन्फ्यूज रहेंगे. नेक्स्ट वन इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं विच आस्क क्वेश्चन, जिनमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं डू एंड डज. एंड डू एंड डज को यूज करते हुए जो क्वेश्चन यूज होंगे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर ये होगा डू डज, डू या डज जो भी लगना होगा स्टार्ट में, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक एग्जांपल है, डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डज शी टेल अ लाई, डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं. डू यू प्ले हॉकी, डज शी प्ले हॉकी, डू यू ईट बनाना, डज शी ईट बनाना. इस तरह से सारे क्वेश्चन आप डू एंड डज से बना सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, राइट? नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो, लाइक व्हाट और व्हेन, उनका फॉर्मूला क्या होगा? उनका फॉर्मूला ये होगा व्हाट और व्हेन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है, वाई डज ही टेल अ लाई, वाई डज ही टेल अ लाई, वाई डब्ल्यू एच से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे होंगे, वाई प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. सिमिलरली व्हेन डू यू स्लीप, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन, व्हेन देन डू देन ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट एंड देन वर्ब वी वन, ठीक है? इस तरह से और जितने भी डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस होंगे उनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा. सो आपने इंडेफिनेट टेंसेस का यूज़ कब करना है? व्हेन यू हैव टू टेल द रूटीन्स, हैबिट्स, ट्रू एक्शंस और स्केड्यूल इवेंट्स इन द फ्यूचर. नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की तरफ. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.